स्कूल टीचर को जिस अधिकारी की पत्नी और बेटा बेटी ने पीटा उसे ही सौंप दिया जांच का जिम्मा। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने अपने अधिकारी के स्वजन पर सरकारी गाड़ी में आकर अध्यापिका को पीटने के मामले में जांच के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। हमीरपुर के मटाहानी स्कूल में गत दिनों हुए मामले में मंडलीय प्रबंधक को ही जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच अधिकारी अब स्कूल अध्यापिका को पीटने के आरोपित पत्नी और बेटे बेटी के खिलाफ प्रारंभिक जांच का रिपोर्ट शिमला स्थित परिवहन निगम मुख्यालय को भेजेंगे। उसके बाद एचआईटीसी प्रबंधन तय करेगा कि इस संबंध में डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। इस तरह का पत्र निगम के कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार की ओर से 30 नवम्बर को जारी किया गया है। इसमें हमीरपुर के डीएम से उक्त मामले की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट मांगी गयी है। कार्यकारी निदेशक को किस अधिकारी ने दी गलत जानकारी। अब सवाल ये उठ रहा है कि परिवहन निगम का सरकारी वाहन लेकर स्कूल अध्यापिका को पीटने के मामले में शिमला स्थित निदेशालय के कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार को गलत जानकारी किस अधिकारी ने दी। नियमों के अनुसार आरोपित को कभी भी किसी मामले की जांच नहीं सौंपी जा सकती है। जब कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार को दैनिक जागरण ने इस बारे में अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि वह अभी कार्यालय से बाहर है, वह शुक्रवार को इस मामले में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। यह है आरोप। मामले के अनुसार हमीरपुर में नियुक्त परिवहन निगम के डीएम का सरकारी वाहन मटाहानी स्कूल के बाहर आकर खड़ा हुआ। इस बीच स्कूल में पेपर जांचने के लिए पहुंची अध्यापिका संतोष गर्ग की डीएम की पत्नी बेटी व बेटी ने पिटाई कर दी। इससे पहले डीएम का बेटा मोटरसाइकिल लेकर कार से टकराया और अध्यापिका से दुर्व्यवहार किया। क्या बोले अधिकारी। एचआरटीसी ने कार्यकारी निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि इस मामले में डीएम से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद तय किया जाएगा कि इसकी स्वतंत्र जांच करवानी है या फिर संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए। जाँच के लिए बहुसदस्यीय कमेटी बनाई जा सकती है।